Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. चरण शरण में आए के धरूं तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। कमाल पाशा बोल रहा हूँ, आज रात 12:30 बजे हथियार ड्रॉप कर रहा हूँ। अपने आदमियों से कह देना उसे ठिकाना लगाए और कमांडर बंटी सुलेमान के हाथ में पहुंचा दे। जल्दी चलो ना। अरे आज तो अकेले ही चले जा, अनिल अभी तक काम से आया नहीं है, दुकान अकेली कैसे छोड़ू मैं। एक काम करती हूँ, शाम को तुझे लेके आऊंगी। हाँ अच्छा, शाम को पक्का ना। लेकिन चलो आजाओ आजाओ। बीना हाँ? ये देख तेरा टिफिन भूल गई तू, अपना ख्याल रखना। हाँ चलो चलो चलो। भागो भागो भागो। मम्मी
जाओ। मम्मी, मम्मी उठो ना। मम्मी, मम्मी मुझसे बात करो। मम्मी, मम्मी उठो ना। मम्मी, मुझसे बात करो। मम्मी क्या हो गया मम्मी को? मम्मी उठो ना, मुझसे बात करो। देखो अंकल, उन लोगों ने मेरी मम्मी को मार डाला। तुम्हारी माँ को जिस किसी ने मारा है, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ए, इसे घर ले जाने का बंदोबस्त करो। जिसके बैग थी उसका बायोडाटा मिल गया। राघव राय, टेररिस्ट का बॉस नहीं, बादशाह, फिलहाल तो छुपा हुआ है बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर ही जंगल में। उस ठिकाने पे रेड मारा? पागल हो गए क्या? मतलब सर, मैं काम पर भी हूँ और काम पे नहीं भी हूँ, सिर्फ खबरी हूँ। मैं मतलब थाने में हूँ सर। इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी है, आप संभाल लीजिए। बेवकूफ। बढ़िया है, मैं जाऊं और टेररिस्ट मुझे उड़ा दे। मेरे खानदान में कम उम्र में कोई नहीं मरा। हाँ जाओ। आज का दिन कैलेंडर में नोट करके रख ले इंस्पेक्टर, क्योंकि आज तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, समझा? सारी जिंदगी आज का दिन तुम कभी नहीं भूल सकते, समझा? जेल में तुझे एक कैलेंडर भेज देता हूँ, उसमें तू आज की तारीख लिख के रख ले। हर साल आज का दिन तू जेल में बैठ के सेलिब्रेट करते रहे। आतंक फैलाने का सपना भूल जा, याद रखना। रोज सिन्हा, हमारी लड़ाई तुम रोक नहीं पाओगे। मैं जेल में रहूं चाहे बाहर रहूं, हमारा लड़ाई चलता रहेगा। कितनी भी पुलिस फोर्स आए, हमें खत्म नहीं कर सकती। दर्दनाक मौत मिली मेरे बेटे को, क्या उसका इस तरह मरना ठीक है? क्या अच्छी मौत इसके नसीब में नहीं थी? कितनी तकलीफ हो रही है। 12 साल की उम्र तक पैजामे का नाड़ा तो मैं बांध के देता था,
चला गया। मेरे बेटे को गोली किसने मारी? इंस्पेक्टर राज सिन्हा। मेरे बेटे को दफनाने के बाद मैं उसे इस हालत में देखना चाहता हूँ। ना, राज सिन्हा को जिंदा रख के उसके सारे परिवार को खत्म कर दो, तब उसको एहसास होगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। बढ़ते रहे ये बंधन न टूटे हमारा, ये बंधन न टूटे हमारा। आँखों में है सपने, मन में है आशा, इस जीवन में रहे सदा प्यार हमारा। तूफान कभी आए अगर न छोड़ेंगे अकेले, वादा करते हैं हम रही जन्मों जन्म कि बंधन न टूटे हमारा, ये बंधन न टूटे हमारा। शाम होते ही तो वो लौट आती है आशियान में, छोटी सी एक पंछी देखो उड़ती है आकाश में। शाम होते ही तो वो लौट आती है आशियान में, हमें खो गए प्यार में खो गए, ये बंधन न टूटे हमारा, ये बंधन न टूटे हमारा। आँखों में है सपने, मन में है आशा, इस जीवन में रहे सदा प्यार हमारा। खुशियाँ मिलती रहे, प्यार बढ़ते रहे, ये बंधन न टूटे हमारा, ये बंधन न टूटे हमारा। आँखों में है सपने, मन में है आशा, जीवन में रहे सदा प्यार हमारा, इस जीवन में रहे सदा प्यार हमारा, इस जीवन में रहे सदा प्यार हमारा। इसका मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी। कम हुआ मतलब? अरे प्रमोशन मतलब ऊपर की पोस्ट मिल रही है तुम्हें, अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बैठने के लिए कुर्सी भी मिलेगी। बैठने के लिए तो कुर्सी पहले भी था पापा, लेकिन कहाँ बैठ पाया। जब तक टेररिस्ट रहेंगे मैं बैठ नहीं पाऊंगा।
टेररिस्ट लोग बहुत गंदे होते हैं ना अंकल। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात, तू खाना खा। बहुत खराब, इसीलिए तो हम उसे सजा देते हैं। मुर्गा बना के रखते हो? हाँ, तेरा टीचर जैसे तुझे मुर्गा बना के रखती है? बिल्कुल नहीं, मेरी टीचर मुझे कभी मुर्गा नहीं बनाती, तुम्हें कुछ नहीं पता, बैड बॉय। हेलो, फाइन सर, एनीथिंग रॉन्ग सर? ओके ओके सर। कल एक बार डीआईजी से मिलना पड़ेगा। अभी अभी तो तू आया है, तुझे क्या जरूरत थी उन्हें छुट्टी देने की? तू कहीं नहीं जाएगा। अर्जेंट काम है, जाना ही पड़ेगा। अंकल आप कल ही चले जाओगे? बॉर्डर पे वापस टेररिस्ट लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इस बार उनका टारगेट है आप और आपकी फैमिली। पापा, कौन हो आप लोग? अरे क्या कर रहे हो ये? मार डाला है, कोई जिंदा नहीं बचा, कोई नहीं। बोलिए कमाल साहब। कमांडर राघव की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, बावजूद इसके वो पुलिस के हाथ कैसे लगा? उसके अरेस्ट होने से हमें कितना नुकसान हुआ पता है? नुकसान तो मेरा भी हुआ है कमाल साहब, पुलिस की गोली से मेरा इकलौता बेटा मारा गया। तुम्हारे बेटे से हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है राघव रॉय, और ये कीमती चीज पुलिस के पास रहे तो हमारी तबाही ज्यादा दूर नहीं है मिस्टर दुर्जे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कमाल साहब, मैंने मेरी आंखों के आंसू पोंछ लिए, अब तो सिर्फ मौत का तांडव होगा। कमांडर को जेल से बाहर निकालने के लिए इस देश की मिट्टी खून से रंग दूंगा मैं। आई लव माई इंडिया। बहुत दिनों से एक बात बोलना चाह रहा था, इस उम्र की एक लड़की फैक्ट्री में काम करती है, ये देख के मुझे बुरा लगता है। हम क्या करेंगे बेटा, हमारा तो और कोई है नहीं, मेरा इकलौता बेटा वो भी अपाहिज होके पड़ा है, इसलिए बाहर निकलना पड़ता है। मुझे तो तकलीफ होती है, आज के बाद ना आपको ना मुझे किसी को तकलीफ नहीं होगी, आपके बेटी की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। जाइए आंटी, घर जाइए और घर जाके अपने बीमार बच्चे का देखभाल करें, और आपकी बेटी की देखभाल हम करेंगे। चलो, अरे उसको छोड़ दो बेटा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, चल 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 चल
अरे मेरी बेटी को बचाओ, वो लोग मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। भगवान अगर तू सच में है तो मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना, मेरी बेटी को बचा लो। अभिमन्यु नाग, रेती वाला नहीं, पानी वाला नहीं, चात कोबरा। एक बार डसा फोटो छपा। ए, हट जा। भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी बेटी को बचाने के लिए भगवान का अवतार भेज दिया। नहीं, मैं अवतार अवतार कुछ भी नहीं, शैतान और भगवान के बीच में रहने वाला एक इंसान हूं मैं, जो मारने के लिए दोनों को ढूंढ रहा है, शैतान को भी और भगवान को भी। अभिमन्यु जिंदा है? इस टाइप का आदमी दो ही जगह पर मिल सकता है सर, या तो शराब खाने में या रेड लाइट एरिया में। कहाँ जाना है बोलिए सर। पहले वाला। आ गई मैं।
रुक जाओ, बात करनी है। जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो रहा है। अपने आप को खत्म करने की बहुत बार कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। अपने आप को खत्म करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए जो मेरे पास है नहीं। जिंदगी शायद तुम्हें मौत नहीं, जिंदगी देना चाहती है ताकि मरने से पहले तुम्हें यह तसल्ली मिले। जिंदगी सिर्फ तुम्हें दुख नहीं, थोड़ी खुशी देना चाहती थी। वो मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूं। दोनों जिंदगी का ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। इनमें से एक तुम्हारी बेटी मिठी जैसी, मेरी भतीजी रिमी, हूबहू तुम्हारी बेटी मिठी जैसी। वो दोनों टेररिस्ट के निशाने पे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम बीच में दीवार बन के खड़े रहो। सोच लो, तुम अपने दोस्त को तुम अपनी जिंदगी भीख दे रहे हो। बहुत उम्मीद लेके आया हूं तुम्हारे पास। आ जाओ। रिमी, अभिमन्यु नाग। नंदिनी,
रिमी की मम्मी। अभिमन्यु आज से यहीं रहेंगे। रिमी, इनको गेस्ट हाउस दिखा दो। चलो मेरे साथ। जाओ। अभिमन्यु के बारे में तुम्हें सब कुछ बोल के रखता हूँ। वो क्राइम ब्रांच में हुआ करता था, सब कुछ खोके अब वो अकेला है। और मुझे भी ऐसे ही आदमी की तलाश थी जो हमेशा तुम लोगों के ऊपर नजर रखा करे। अभिमन्यु के बारे में अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे बोल सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, हमारे इजाजत के बिना अगर वो घर में ना आए तो अच्छा होगा। बोल दूंगा। आओ ना। आप यहाँ कितने दिन रुकोगे? नहीं पता। सच में नहीं पता? अभिमन्यु कौन है पता है? महाभारत पढ़ी है तुमने? नहीं। अभिमन्यु अर्जुन जी के बेटे। महाभारत में लिखा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब लोगों ने उसे मार डाला। हेलो, हाँ आ रही हूँ। यहाँ से तो मेरे रूम में भी फोन कर सकते हो, 02 डायल करना। अच्छा, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? अभिमन्यु अंकल? नहीं, अभिमन्यु, सिर्फ अभिमन्यु। बाय अभिमन्यु। राजसेना के घर में जो आदमी रुका है वो कौन है? यमराज। क्यों आया है? तुम्हें सूली पे चढ़ाने के लिए। बिहारी, क्या फोटो बात कर सकती है? सर नहीं बोलते सर, भांग पीने के बाद बोलते हैं। अच्छा, क्या दिल्ली भांग पीती है? नहीं सर, उसके बाप पीता है। ओ, भांग से बहुत मिलती जुलती है, जितने कड़क उतनी नशीली भी। अरे एकदम मस्त है। उत्तर भारत के सीमा को पार करके बहुत सारे विदेशी हथियार यहाँ आ चुके। सीमा के 2 किलोमीटर के आसपास ये सारे हथियारों का लेन देन चलता है। अगर ये सारे हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए तो उस एरिया की सारी हुकूमत उनके हाथ चली जाएगी। तब वो लोग वहाँ पर एक अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम उसे मार डालेंगे, क्लीन स्विफ्ट। हम नहीं, इस मिशन पे एक ही आदमी जाएगा, इंस्पेक्टर अभिमन्यु नाग। इतने बड़े मिशन पर अकेला इंस्पेक्टर अभिमन्यु नाग? हाँ, वो अकेला ही चक्रव्यूह में घुसेगा और सबको मार के लौट के भी आएगा। वो सर, यही है दुर्जय राय का पालतू कुत्ता, टारगेट करूं? नहीं, ये उसका कुत्ता है, सिर्फ देखने आया है। इसको जाने दे, इसके बाद भेड़िया आएगा।
ओके ओवर। ये लो, आर्म्स गाड़ी में रखा हुआ है। गेट रेडी। ड्राइवर को मुर्दा घर में पहुंचा दिया, तुम लोगों को कहां पहुंचाओ? मुर्दा घर या डायरेक्ट शमशान में? अभिमन्यु नाग, क्राइम ब्रांच। रेती वाला नहीं, पानी वाला नहीं, जात कोबरा। एक बार डसा फोटो छपा। लाश को शमशान में फेंक दे। अभिमन्यु नाग, क्राइम ब्रांच। उस एक आदमी की वजह से हमारा मिशन खराब हो गया। अब मैं कमाल पाशा को क्या जवाब दूंगा? जिंदगी में पहली बार मैं हारा हूं, लेकिन दूसरी बार मुझे हारते हुए देखना चाहते हो? नहीं कैप्टन। गुड, अगले काम के लिए कमाल साहब कुछ और लोग भेजेंगे। इस बार अगर अभिमन्यु नाग बीच में आए तो उसे वहीं खत्म कर दो। गुड मॉर्निंग सर। अबे तू मुझे सैल्यूट क्यों मार रहा है? तुम्हें देख के डीआईजी भी सैल्यूट मारेगा? वन मैन आर्मी कैसे पॉसिबल है? घर से निकलने से पहले यमराज को एक फोन करके निकलता हूँ। क्या बोलता मालूम है? क्या? पीछे पीछे मत आ, अभी तेरा टाइम नहीं हुआ है। टाइम आने पर एसटीडी कर दूंगा, बस इसमें काम हो जाता है। यमराज का फोन नंबर मैं बाद में ले लूंगा, मुझे भी चाहिए। डीआईजी की रूम में जाओ, तुम्हारे लिए कोई इंतजार कर रहा है। कौन है? पुलिस मिनिस्टर विक्रम सिंह। चलता हूँ। कमिंग सर। अरे आओ आओ अभिमन्यु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इनसे मिलिए। जानता हूं इनको, पुलिस मंत्री विक्रम सिंह। मैं आपको नहीं पहचानता हूं, इसीलिए डीआईजी से आपका बायोडाटा जान रहा था। पुरस्कार देने के टाइम कुछ तो बोलना पड़ेगा। पुरस्कार संभाल के रखिए और दिल की बातें भी जमा रखिए। जो मर गए ना वो पिल्ले थे। जिस दिन राघव को मारूंगा ना उस दिन पुरस्कार भी लूंगा और बातें भी सुनूंगा। वो राघव का कुछ पता चला? सर्च तो कर ही रहे। जिस दिन पता चलेगा उस दिन इन्फॉर्म कर देंगे। और जिस दिन पकड़ लिया उस दिन अच्छे कुक को बुला के उसकी तंदूरी खाऊंगा। सुना है कि तंदूरी खाने में बहुत मजा आता है। सर जो बोला है लोगों ने उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है, संभाल के रखना। शिकार पकड़ते पकड़ते खुद शिकार ना बन जाए। पापा ये देखो, ये मैं और ये मम्मी। अरे बाप रे,
ये तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है और ये भी बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है। इसे देख के ही पता चलता है बिल्कुल माँ और बेटी। पापा मैं कैसे आई? ओ, एक दिन ना मैं और तुम्हारी मम्मी जंगल में घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे एक टोकरी पड़ी हुई थी और टोकरी में तुम पड़ी थी। तुम कैसे आए? वो एक दिन तुम्हारे दादी और दादा जंगल में घूमने गए थे, उस समय भी एक टोकरी पड़ी थी और टोकरी में मैं पड़ा हुआ था। दादाजी कैसे आए? ए, और ज्यादा पूछताछ मत करना, चल किताबें समेट ले और सो जा। चल तुम समेट लो। कुछ ज्यादा ही होशियार है तुम्हारी बेटी। बचा लिया, जैसे तुम्हारी बेटी आगे बढ़ रही थी ना, इस मॉडर्न जमाने का कोई भरोसा नहीं। मुझे आपकी चिंता है, बीवी हूँ तुम्हारी। हेलो, यस सर, ओके सर। जाना पड़ेगा ना तुम्हें, चलो जल्दी खा लो। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोलते हो? मुझे तुम पे नाज है, तुम पर कितनी जिंदगियों की जिम्मेदारी है, उन सब के लिए थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती। अखबार में जब तुम्हारा नाम आता है ना, तब मैं वो बार बार पढ़ती रहती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बीवी जो हो तुम्हारी, अच्छा नहीं लगेगा। चलो खाना खा लो। सर यही लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आ रहे हैं। हेलो, अभिमन्यु नाग, मेरे लोग तेरी बंदूक के सामने हैं और तुम्हारी बीवी और बेटी मेरी बंदूक के सामने है। पापा ये लोग हमें मार डालेंगे। तुम्हारे साथ एक डील करूंगा, मेरे लोगों को चुपचाप आने दो, अगर वहां गोली चली तो यहां भी गोली चलेगी। कोई गोली नहीं चलाएगा सर, हमें तो ऑर्डर मिल चुकी है, शूट एट साइट। मैंने बोला ना कोई गोली नहीं चलाएगा। शूट एट साइट, ऑर्डर होते हुए भी आपने फायरिंग नहीं किया। क्राइम ब्रांच का एक
ऑफिसर होते हुए भी आपने सबसे बड़ा क्राइम किया। आपकी वजह से हमारे कुछ हुंडा अफसर इस शूट आउट में मारे गए हैं, समझे आप? इससे हम क्या समझे, इंस्पेक्टर अभिमन्यु नाग? अरे समझने का क्या है, ये तो पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि इंस्पेक्टर अभिमन्यु नाग टेररिस्ट लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। ये खुद वहाँ खड़ा होकर के उन लोगों को यहाँ आने में मदद की है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु नाग, आपको कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। आपके पास रिकॉर्ड को देखकर हम उसके सोचेंगे। नहीं, हम सिर्फ प्रेजेंट को ही देखेंगे, सारी रिपोर्ट हमारे पास है। अभिमन्यु नाग पुलिस डिपार्टमेंट का एक ब्लैक चैप्टर है और मैं अपने डिपार्टमेंट के मैनुअल में कोई भी ब्लैक चैप्टर नहीं रखना चाहता हूँ। विश्वासघात अभिमन्यु नाग को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अभिमन्यु नाग के मरने की मुझे खुशी है, लेकिन साथ में डर भी है, क्योंकि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का टारगेट हम लोग बन चुके हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कैप्टन? ठिकाना बदलते रहेंगे। असलम, कैप्टन, हमारे पूरे यूनिट को इन्फॉर्म कर दो, हमारे बच्चों को कुछ दिनों के लिए पहाड़ी एरिया में अंडरग्राउंड होने के लिए बोल दो। यस कैप्टन। दुर्जय फिर से जागेगा किसी और जगह। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने सुना बेबी को बुखार आया, डॉक्टर को दिखाओ। मैं जानता हूं जब ठीक हो जाएगी ना तो मस्ती शुरू। एक बात कहना भूल गया मैं तुमसे, मुझे एक काम मिला है पहरेदार का। जानती हो यहां बेबी की उम्र की एक छोटी सी बच्ची है, अगर बेबी होती तो दोनों दोस्त बन जाती। मैं आ रहा हूं,
मैं जल्दी आ रहा हूँ। क्या हुआ? अचानक चिल्लाई क्यों? वो अंधेरे से डरती है। आपका काम घर के बाहर है, अंदर नहीं। बिन बुलाए आप अंदर मत आइए। आपकी बात मैं तब तक मानूंगा जब तक दोनों घर के बाहर रहेंगे, भगवान और शैतान। और अगर इनमें से एक भी घर के अंदर घुसा तो अभिमन्यु नाग आपके बुलावे का इंतजार नहीं करेगा, एम्बुलेंस को फोन करके घर के अंदर घुसेगा। यहाँ के आलू प्याज से गरम मसाले तक सबका बायोडाटा मेरे पास है, बस तुम्हारा ही नहीं है। हाँ, बस आलू के छिलके की तरह परत दिख रही है। केयर ऑफ राज सिन्हा। ना आगे का पता है ना पीछे का। बाप दादा ने कभी पुलिस में नौकरी की तो फिर उनको जाके पूछ, उनके पास शायद आगे का और पीछे का होगा। सब अगला और पिछला मैं तुम्हीं से जानना चाहता हूं मिस्टर अभिमन्यु नाग। आगे का और पीछे का रेती वाला नहीं, पानी वाला नहीं, जात कोबरा। एक बार डसा, फोटो छपा, दोबारा जब मेरे सामने आना हाथ में ताबीज वाबीज पहन के आना। जरूरत नहीं पड़ेगी, भांग पीने वाला आदमी हूं, जहर नहीं चढ़ पाएगा। जात कोबरा कहां डसता है शायद तुमको नहीं मालूम, सर से 6 इंच नीचे। तेरा भांग काम नहीं करेगा। हा खत्म। तितली सही बोली थी, ये मेरा यमराज हो सकता है। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे साथ चलोगे? वहाँ पे टेडी बेयर है, तुम भी रहना, हम चार लोग मिलके मस्ती करेंगे। अभिमन्यु डांटेगा? ना ना, मैं अभिमन्यु को बताऊंगी कि तुम लोग मेरे दोस्त हो। क्यों उसको छुआ तुमने? वो लोग मेरे दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त बनोगे अभिमन्यु? नहीं, ये लोग कोई तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं भी नहीं। और इस रूम में कभी मत आना, किसी सामान को हाथ मत लगाना। जाओ जाओ यहां से।
रिमी, रिमी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अभिमन्यु ने मुझे डांटा। तूने कुछ बोला उनको? मैं उसके कमरे में जाके दो गुड़ियों के साथ खेल रही थी। मैंने उसको बोला कि ये गुड़िया तो मेरी दोस्त बन गई है, तुम भी मेरे दोस्त बनोगे? वो मेरे हाथ से गुड़िया को छीन कर बोले, इनको हाथ मत लगाना, और मुझे बाहर निकाल दिया। बैड बॉय। मेरी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है कि उसे डांटने की जरूरत पड़े। मैं नहीं कहती कि उससे प्यार करो, लेकिन थोड़ी हमदर्दी तो जता सकते हो, उसके लिए वो भी बहुत है। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि वो खिलौना खिलौना नहीं है, वो मेरी वाइफ और बच्ची, मेरी बेटी मीठी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। अगर वो होती तो तुमसे दोस्ती कर लेती। मेरी बेटी मीठी अब नहीं रही, कभी तुम्हारी दोस्त नहीं बन पाएगी। मुझे माफ कर देना रिमी, मैं मीठी को सहेली नहीं दे पाया। गुड नाइट अभिमन्यु। गुड नाइट रिमी। मेरे दोस्त बनोगे? प्यार का ये जो तोहफा तुमने दिया है मुझे, रहूंगा साया तेरा बन के, कभी ना छोड़ू तुझे। हम तुम दोनों आज से ही अब हमदम हुए, प्यार के बंधन में हम दोनों एक हो गए। सीने से लग जा जरा, कहीं तू दूर ना जा, सीने से लग जा जरा।
आ मेरे पास आ भी जा, प्यार का ये जो तोहफा तुमने दिया है मुझे, रहूंगा साया तेरा बन के कभी ना छोड़ू तुझे। तेरी प्यारी सी हंसी जैसी पहली किरण, मैं हुआ तुझ पे फिदा, ये आंखें जो कहती है प्यारी बातें, जो चाहा वो मिल गया। सिर्फ मेरे मेरे तुम हमेशा रहो, अब हम दम तुम बन के मेरे साथ चलो, संग तेरे साथ साथ चलूं मैं कभी दूर ना रहूं, संग तेरे साथ साथ चलूं मैं कभी दूर ना रहूं, प्यार का ये जो तोहफा तुमने दिया है मुझे, रहूंगा साया तेरा बन के कभी ना छोड़ू तुझे। सपनों की रानी है या तू अप्सरा, फूलों सी नाजुक है तू, अगर कभी आए कोई परेशानी गुजरेगी मुझ पे वो। सिर्फ मेरे मेरे तुम हमेशा रहो, अब हम दम तुम बन के मेरे साथ चलो, गले से लग जा जरा आ मेरे पास आ भी जा, गले से लग जा जरा आ मेरे पास आ भी जा, प्यार का ये जो तोहफा तुमने दिया है मुझे, रहूंगा साया तेरा बन के कभी ना छोड़ू तुझे। हम तुम दोनों आज से ही अब हम दम हुए, प्यार के बंधन में हम दोनों एक हो गए, हम तुम दोनों आज से ही अब हम दम हुए, प्यार के बंधन में हम दोनों एक हो गए। नाना आओ, नाना से तुम्हें मिलवा देती हूँ। नाना ये अंकल के दोस्त अभिमन्यु, मेरा भी दोस्त है। मम्मी को जाके बोलो नाना आए हैं, तब तक मैं तुम्हारे दोस्त से बातचीत करता हूँ। अच्छा। अभिमन्यु नाग, तुम्हें देख के ताज्जुब हो रहा है। स्वाभाविक है, जिसको आपने दुनिया से डिलीट कर दिया था वो अभी भी अपने आप को जिंदा रखा है। नहीं रखते तो अच्छा ही होता, पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे नाम की थूथू हो रही है। इस तरह से जिंदा रहना कोई शरीफ आदमी का जिंदा रहना नहीं कहलाता, उससे तो अच्छा मर जाना चाहिए। नहीं मरा इसलिए कि आप जिंदा हो। मेरे फाइल पे विश्वासघात का स्टैंप लगा के साइन किया था आपने, पुलिस मंत्री विक्रम सिंह। आपके स्टैंप और साइन ने मेरी जिंदगी का 12 आना नुकसान कर दिया। आप मेरे 12 आने के कर्जदार हैं। बहुत छोटी बात बोल दी है तुमने। विक्रम सिंह की साइन और स्टैम्प जिस पे पड़ जाता है उसका 16 आना बर्बाद हो जाता है। तुम्हारा 4 आना कैसे बाकी रहा?
वो चाराना आपके सोलाना पे स्टैंप और साइन लगाने के लिए रुका हुआ है। वही चाराना लेके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा बाराने का स्टैंप तुम्हारे चाराने पे बहुत भारी गिरेगा। मैं यही सोच रहा था कि कब आप मुझे ये कहेंगे और मैं आपको कहूंगा, हट साला, इधर तेरे बाप की जागीर नहीं। तू बोलेगा कि चले जाओ और मैं यहां से चला जाऊंगा। अभिमन्यु नाग, रेती वाला नहीं पानी वाला नहीं जात कोबरा, एक बार डसा फोटो छपा। शरीफों के घर पे आयो, चाय पियो पानी पियो, डकार मारो निकल लो, मेरे से उलझो मत, नहीं तो इस टाइम पहले मारूंगा और साइन मरने के बाद। उनको बड़े भैया लेके आए। और उनके फैसले पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। अजीब बात है, जहां पे तेरी और तेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है वहां पे तू खामोश है। ठीक है, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तू अभी रिमी को लेके मेरे साथ में चल। राज सिन्हा से जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। ना पापा, ये तो भैया का दिल दुखाने जैसा होगा ना। मेरे लिए तो फिर भी रिमी है, उनका तो कोई भी नहीं इस दुनिया में, वो हमारे लिए ही तो लड़ रहे हैं। कैसी लड़ाई, वो तो दूसरे शहर में जाके बैठा है और तुम लोगों को छोड़ के गया है कैसे आदमी के भरोसे, जिसने टेररिस्ट के साथ हाथ मिलाया और पुलिस डिपार्टमेंट से निकाला गया, और वो तुम्हें बचाएगा। उन पे भैया भरोसा करते हैं। मतलब तू हमारे साथ नहीं आ रही। मैंने आपको कह दिया था पापा, मैं रिमी को लेके आपके साथ आऊंगी, लेकिन ये जंग खत्म होने के बाद। टेररिस्ट ने सरकार को धमकी दी है, उनके कमांडर राघव राय को नहीं छोड़ेंगे तो राज सिन्हा के परिवार पे और भी तकलीफ आएगी। इस बार अगर टारगेट रिमी हो जाए तो तब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, ये बता देना राज सिन्हा को। ये मेरे पास चूड़ी लेकर क्यों आ रही है? पहनाने या पहनवाने? अरे ये तो सच में इधर ही आ रही है, पहना भी सकती है, बहुत बार बोली है वो, चूड़ी पहन के बैठ जाओ। पहना नहीं इसलिए, शायद खुद ही पहनाना चाहती है। ये चूड़िया कैसी लग रही है? अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए। अब और किसके लिए? खाना पीना छोड़ के तो तुम्हें और कोई काम है नहीं, शादी के बाद तुम घर संभालना और मैं तुम्हारे गुंडे और चोरों चक्कों के पीछे भागूंगी। चूड़िया पहन के तुम घर संभालना और मैं तुम्हारी पुलिस चौकी। लाओ हाथ बढ़ाओ। मैं चूड़ी नहीं पहनूंगा। आज तो मैं तुम्हें चूड़ी पहना कर ही रहूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, मैंने चूड़ी पहनूंगा, अब मैं चूड़ी नहीं पहनूंगा, मैं भांग नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, मैं थाना संभालूंगा, तुम घर संभालना। अरे नहीं, चूड़ी नहीं, चूड़ी नहीं। मैं चूड़ी नहीं पहनूंगा तितली। मुझे चूड़ी नहीं पहननी तितली। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए चूड़ी है? हाँ। अरे नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही हो? पैसे होते तो तुम्हारे लिए भी एक डजन चूड़ी ले लेती। अच्छा, उसके पास पैसा है? तुम हंस रहे हो? हाँ तुम हंस रहे हो। मैं 10 सेकंड में नहीं हंसा, 11 सेकंड में हंसा। अच्छा, तुम 11 सेकंड में हंसे। ठीक है, डिसमिस, फिर से बोलो, 20 सेकंड। ओके।
हंस रही है देखो, हंस दिया। अरे हंस रही है। कल से रिमिका स्कूल शुरू होगा। मुझे रिमी को स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं रिमी को स्कूल छोड़ के आऊंगा, अगर आपको मेरे पे भरोसा है। मुझे तो कोई डर नहीं, क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि अभिमन्यु रहेंगे मेरे साथ। गुड नाइट अभिमन्यु। मेरे लिए थैंक यू। अच्छा लग रहा है? फाइन। टाटा अभिमन्यु। सर, पूरा जंगल पहाड़ कितना भी छान ले वो लोग कभी नहीं मिलेगा। ये वीडियो राज सिन्हा को दिखाना। राघव राय को नहीं छोड़ेगा तो इसके बाद वाले वीडियो में वो देखेगा कि हम लड़की को कैसे मारेंगे। वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। रिमी के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं भाभी, रिमी के बगैर मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब शांत हो जाओ भाभी, रिमी को कुछ नहीं होगा। देखना वो तुम्हारे पास लौट के आएगी। हाँ Thank you.
से फोन कर रही है बेटा? उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है मम्मी, मैंने कुछ खाया भी नहीं। बोल बेटा बोल। तुम अंकल से बोलो हाँ कि मुझे यहाँ से छुड़ाए। हाँ बेटा। नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मम्मी अंकल को बोलो। रिमी घर पे फोन कर रही है, अगर दोबारा तूने फोन किया ना तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मम्मी आप लोग उसे मत मारो प्लीज, आप लोग उसे छोड़ दीजिए। हेलो। टेंशन मत लो राज सिन्हा, बेटी अभी भी जिंदा है। रिमी जिंदा है ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है दुर्जय। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से मैं तुम्हें एक इंच भी हिलने नहीं दूंगा, वहाँ पे गड्ढा करके तुझे डाल दूंगा। तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम खुद अब गड्ढे में फंसे हो। पुराना डील फिर से याद करा दूं, कमांडर राघव राय की रिहाई बदले में रिमी की जिंदगी, समय 7 दिन का। राघव राय को छोड़ना तो दूर की बात है, तुझे मार के मैं रिमी को वापस लाऊंगा। आप लोग मेरी बच्ची को छोड़ दो, इतनी सी बच्ची का क्या कसूर है बोलो। हर रोज पुलिस की गोली से जो लोग मर रहे हैं उनमें से हर एक दोषी नहीं है, फिर भी वो लोग मर रहे हैं क्योंकि पुलिस की नजर में वो गुनहगार हैं। लेकिन मेरी गोली से जो मर रहे हैं वो भी तो सभी गुनहगार नहीं है, लेकिन मेरी नजर में वो गुनहगार। मैं अपनी बच्ची के लिए आपसे भीख मांगती हूँ, दया करो मुझ पर। यहाँ पर बहुत सारी माएं अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उनकी जिंदगी आपकी बेटी से कम नहीं है, ये राज सिन्हा को याद दिला देना। सर टावर मिल रहा है चोर बाजार रोड से। बहुत कर चुके आप लोग, और प्लीज कुछ मत कीजिए, प्लीज जाइए आप लोग। नंदिनी मेरी बेटी को उसके नसीब पर छोड़ दीजिए आप लोग, अगर उसका नसीब अच्छा होगा तो वो बच जाएगी। प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, चले जाओ। अपने आप को संभालो नंदिनी। मैं दूसरी माओं की तरह नहीं हूँ कि अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे की लाश देखूं। एक बार मुझे जेल में उस आदमी से मिलाओगे? राघव राय? हाँ, मैं उसके पैर पकड़कर उससे कहूंगी कि अगर मारना है तो मुझे मार, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। तो फिर ये लड़ाई हम हार जाएंगे। ये जंग तुम्हारे अरुण के बीच है, इसमें रिमी को सजा क्यों मिल रही है, उसे क्यों मरना पड़ रहा है, उसे तो इस जंग का मतलब भी नहीं मालूम। वो इस खानदान में पैदा हुई है, क्या ये उसका सबसे बड़ा अपराध है? रिमी को अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए तो उसके जिम्मेदार वो आतंकवादी नहीं तुम होगे, तुम राज सिन्हा। अभिमन्यु नाग, ना पानी वाला सांप ना रेत वाला सांप, जात कोबरा, दूसरों को डसने की जगह खुद को ही डस लिया है क्या? तुम्हारे नाम के लिए पहले वाले सांप ठीक है, पानी वाला सांप और रेत वाला सांप, कोबरा नहीं। लड़के को जिन्होंने किडनैप किया था उनकी शक्लें याद हैं? तुम एक भी हिंट दे दोगे ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगर लड़की को बचा लूंगा तो तितली पट जाएगी, बहुत दिनों से फील्डिंग कर रहा हूं अब बैटिंग करूंगा, जरा याद तो करो।
उठो, मुझसे बात करो। अभिमन्यु, 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 बचाओ, बचाओ। कुछ याद आया? तुम्हें मैंने पानी वाला सांप, रेत वाला सांप क्यों बोला पता है? इसी वजह से, कोबरा जाति के होते ना, तो मरने से पहले तक उनकी फोटो छप जाती। लेकिन उन लोगों के पास तुम्हारी फोटो जरूर होगी, कभी भी आके टपका देंगे। ये सब दवा ववा से कुछ काम नहीं होगा। भांग पियो, भांग। जहर थोड़ा कम होगा लेकिन जल्दी से उठ पाओगे। चलता हूं। अभिमन्यु तो जानता है कि किसने और कैसे राजसेना के भतीजे को किडनैप किया है। मुझे नहीं बताया। तुम्हारे जैसे पियक्कड़ आदमी को कुछ कहो या ना कहो, एक ही बात है। भांग पीऊ या कुछ भी करूं, वो कौन है मेरा जानना जरूरी है। ये घटना मेरे इलाके में घटी है, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। तुम इस थाने के कांस्टेबल थे, वही ठीक था। एक चमार दूंगा तुमको। क्यों सर, मैं तो क्लास भर के दिया था। अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। ए, इसको बोल रहा हूँ। ये तो तितली, मेरी बेटी। तितली का फोटो है आपके पास? मेरी तितली किडनैप हो गई क्या सर? इसको कौन किडनैप करेगा? करूंगा तो मैं ही करूंगा। इतनी हिम्मत है तुम्हें? किडनैप करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है। सारा दिन पीते बैठोगे तो किडनैप क्या खाक करोगे? जो किडनैप करते हैं वो ऐसे बकवास नहीं करते। मैंने जाने के लिए बोला, तुम चली गई। कोई कुछ भी बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद जो भी कहना है वो फोटो से नहीं, मुझसे कहना। घर जाओ। घर जाओ क्यों बोला? थोड़ा रुक जाओ, बोल सकते थे। लोग बोलते हैं शादी तो है दिल्ली का लड्डू, सही बोला ना? फिर भी मन मेरा बोले चके देखना जरा तू, जो खाए वो पछताए, फिर न मिले ललचाए, मरना पड़े मर जाऊं हंस के। मैं बनूंगा तेरा दूल्हा सज धज के, मैं बनूंगा तेरा दूल्हा सज धज के। लोग बोलते हैं शादी तो है दिल्ली का लड्डू, रसिया होगा मेरा प्यारा ना कोई बुद्धू, तू नहीं वो दीवाना, देख के दिल जो मन चला, क्यों मरना चाहो जान बुझ के। लाज शर्म तो उतार, तो है बड़ा बेशरम, कोई चाहेगा ना ऐसा कमाल। अरे घूंघट खींच दे बलखा के आ, अब लाज शर्म तो उतार, तो है बड़ा बेशरम।
बनूंगा तेरा दूल्हा सज धज के। अरे तू बनेगा क्या दूल्हा सज धज के। अरे जोगी बन के हूँ खड़ा क्या? देखो ना चुरा लू सनम, अरे जोगी बन के हूँ खड़ा। तेरे मत में ना आओ मैं, तुझको ना अपनाओ मैं, हाथ ना मैं आऊंगी तेरे। तू बनेगा क्या दूल्हा सज धज के। मैं बनूंगा तेरा दूल्हा सज धज के। लोग बोलते हैं शादी तो है दिल्ली का लड्डू, मन मेरा बोले चक्के देख नजरा तू। तू नहीं वो के। मैं बनूंगा तेरा दूल्हा सज धज के। तू बनेगा क्या दूल्हा सज धज के। दो से दो चार हो जाए शादी कर ले। अरे तू बनेगा क्या दूल्हा सज धज के। मैं बनूंगा तेरा दूल्हा शादी कर ले। अरे तू बनेगा क्या दूल्हा सज धज के। आप यहां कैसे हो? रिमी की कोई खबर मिली? और कुछ दिन बाद शायद मैं आपको उसकी मौत की खबर देने आऊंगी। ऐसा ही कह रहे थे वो लोग। एक विनती करूं मैं? बोलो। मैं एक बार जेल में उस आदमी से मिलना चाहती हूं। ले जाओगी मुझे? और कोई है नहीं जिससे मैं ये कह सकूं। अगर मैं इसके पैर पकड़ कर ये कहूं कि मेरी रिमी को छोड़ दो, तो क्या वो मानेगा मेरी बात? मेरा दर्द क्या वो समझेगा नहीं? भले वो कितना बुरा क्यों ना हो, इतनी सी बच्ची को जान से मारते हुए उनको भी तो तकलीफ होगी ना। मेरी बेटी को आप लोग छोड़ दो। आपकी जंग सरकार के साथ है, राज सिन्हा के साथ, मेरी बेटी के साथ नहीं। तुमने मेरी दुनिया खत्म कर दी है। मेरी बेटी को तो छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। आपकी बेटी हमारे लिए यहाँ से निकलने का पासपोर्ट है, उसको पाना है तो मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो उसे मरना पड़ेगा। ये आपकी सरकार और राज सिन्हा दोनों को अच्छी तरह समझा दें। मैं आपको मेरी तकलीफ बताने के लिए आई हूँ। रिमी के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, उससे अच्छा आप लोग मुझे मार दो, मेरी बेटी को रिहा कर दो। सिर्फ 10 साल की उम्र है उसकी।
इतने छोटे से बच्चे को मार के क्या आप लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा? आपसे एक विनती करती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। आप बेवजह रो रहे हो, खून खराबी हमारी आदत बन चुकी है, किसी को मारने में हमें कोई अफसोस नहीं होता है। आपकी बेटी की उम्र 10 की जगह 5 भी होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदूक से गोली ही निकलती है। डिपार्टमेंट ने पुलिस का देवा बैस तो छीन लिया, लेकिन बाप का नाम नहीं छीन सका। अभिमन्यु नाग रेती वाला नहीं, पानी वाला नहीं, जात कोबरा। एक बार डसा फोटो छपा, रिमी का अगर एक बूंद भी खून अगर जमीन पर पड़ा तो मैं खून की गंगा बहा दूंगा। ना पुलिस ना तेरा बाप, इस अभिमन्यु नाग के हाथ से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। बार बार तुमको मैंने सावधान किया था, लेकिन तुम तो मेरी सुनते कहाँ हो? फालतू आदमी हो ना, और फालतू आदमी का बात ही सच हुआ ना। नंदनी और रिमी मेरे पास होती तो उसकी परछाई भी आने से हिम्मत नहीं करती, लेकिन तुमने क्या किया? अभिमन्यु जैसे एक करप्ट आदमी को पुलिस डिपार्टमेंट से निकाले हुए एक आदमी को अपने घर पे छोड़ के खुद घूम रहे हो। उन लोगों ने सरकार से डिमांड की है राघव रॉय की रिहाई के बदले में वो लोग रिमी को छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ कभी भी मेरा नहीं बना है और आज भी नहीं बनेगा। तुम्हारे साथ बहस करके मैं और एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। राघव रॉय को सरकार छोड़ देगी और वो काम 7 दिन के अंदर ही हो जाए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। किसकी रिहाई आपको पहले चाहिए मिस्टर विक्रम सिंह, रिमी या राघव राय? एक के बदले एक, 100 के बदले सिर्फ एक। सबको मार के जमीन में गाड़ के मैं रिमी को वापस लेकर आऊंगा। कुछ मत करना अब तू, कुछ नहीं। जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी वो तो तुम पूरी नहीं कर पाए, तो अब क्या करोगे? काम अभी खत्म नहीं हुआ राज सिन्हा, और मैं अभी तक मरा नहीं हूं। दूसरी बार मरोगे? अभिमन्यु का इतिहास तो जानते हो, चक्रव्यूह में जाता है और वापस नहीं आता है। ये अभिमन्यु खाली पीली मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये है आज का अभिमन्यु। अभिमन्यु नाग रेती वाला नहीं, पानी वाला नहीं, जात कोबरा। एक बार डसा फोटो छपा, उनको दी हुई मोहलत 7 दिन की सरकार की तरफ से है, अभिमन्यु नाग की तरफ से नहीं। सरकार की फाइल खुलने से पहले ही मैं रिमी को वापस लेकर आऊंगा। जा रहे हो? मेरा अधूरा काम पूरा करने जा रहा हूं। आप रिमी की मम्मी हैं, इसीलिए आपको उसको खोने का दर्द बहुत ज्यादा है, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि खोने का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी लड़ाई आप दोनों के साथ नहीं है, एक के साथ है,
शैतान। इस लड़ाई में आपके साथ कोई नहीं है। कोई रहे ना रहे मेरे साथ, लेकिन मुझे पता है आप हो, और आप ही मेरा सबसे बड़ा भरोसा हो। हमारा खोना भी एक है, खोने का दर्द भी एक है, और हमारी लड़ाई भी उस दर्द का एक हिस्सा है। चलता हूं। अभिमन्यु, अगर नहीं कर सका तो एक गोली बचा के रखूंगा मेरे लिए। आंखें बंद करके यहां गोली मार देना, नहीं कर सका उसकी सजा। मेरे लिए थैंक यू। और कुछ नहीं मिलेगा। तुमको क्या लगता है, जब तुम अस्पताल में पड़े हुए थे तब तक सुराग तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जो कि तुम वापस आकर इकट्ठा कर लो? कुछ हवा में उड़ गया, कुछ बारिश में धुल गया, लेकिन एकाध सबूत मेरे हाथ लग गया। मैं जानता हूं लड़की को जिसने किडनैप किया उसकी फोटो तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन तुम मुझे बताओगे नहीं। आंखें बंद रखी थी ताकि अपने हाथों से उन्हें मार सको। नहीं, यकीन करो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस काम में मैं तुम्हें हर तरीके की मदद कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ एक डील करूंगा। कैसा डील? वैसे तो मैं तुम्हारे काम नहीं आने वाला हूं, लेकिन हर काम में मुझे अपने साथ रखना, ताकि पुलिस के बड़े अफसर और तितली दोनों को पता चले कि मैं काम का हूं। और ना मैं तुम्हारे काम आने वाला हूं, ना कोई काम करने वाला हूं, बस नाम का ही हूं। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस स्पॉट पर से बरामद हुआ, उसका बायोडाटा भी मेरे पास है। इस इलाके में कम से कम 20 जुए के अड्डे हैं मुस्तफा के। बिना किसी काम के मुस्तफा बिल से बाहर नहीं आता, लेकिन एक तो पैसा या फिर लड़की के लिए मुस्तफा बिल से निकलता है और काम खत्म करके बिल में वापस जाता है। उसके जुए का अड्डा टेररिस्ट का अड्डा भी है। अड्डा पता है तुम्हें? सब जानता हूँ, लेकिन मरने का टाइम नहीं आया इसलिए गया नहीं। कुछ भी हो, लेकिन मुस्तफा को बाहर तो लाना ही पड़ेगा। मैं नहीं, पहले बोल दिया था ना, ना मैं काम का हूँ ना काम आऊंगा, बस नाम का हूँ। मुस्तफा को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। पागल हो गई है क्या? उससे पहले मुस्तफा तुझे ऊपर भेज देगा। लेकिन तुमने ही तो कहा था लड़कियां उसकी कमजोरी है, उसी कमजोरी से मैं उसे बाहर लेके आऊंगी। कल मुस्तफा के इलाके में गांव वालों का एक मेला लगता है, हर साल मुस्तफा उस मेले में आता है, लेकिन इस बार मेले में आना होगा उसका खात्मा। कोई बोले मैं हूँ फूल या कोई बोले बिच्छू, प्यार का नशा चढ़ा मुझ में बस गया तू। गुलाब
तेरा चेहरा मैंने देखा जो जैसा खिला रे, तेरा साथ मुझे मिला हो गई दीवानी रे, तेरा साथ मुझे मिला हो गई दीवानी रे। सजना रे ओ मेरे सजना रे, सजना रे ओ मेरे सजना रे। गुलाब में है काटे फिर भी तो भवरे आते, गुलाब में है काटे फिर भी तो भवरे आते। चांद जैसा चेहरा तेरा, फूल जैसा खिला रे, तेरा साथ मुझे मिला दिल हुआ दीवाना 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 रे। आज की ये रात हम दोनों एक दूजे में खो जाए, दिल हुआ बेकाबू रह सके ना बस में बेकाबू। हाँ मैं तेरी हो जाऊंगी, भर ले मुझे बाहों में, तुझ पे सब कुछ लुटा दूंगी, जितना चाहे लूट ले। मैं तेरा लुटेरा सब लूट के ले जाऊंगा, मैं तेरा लुटेरा सब लूट के ले जाऊंगा, दे दे मुझे जो चाहिए। सजना रे ओ मेरे सजना रे, सजना रे ओ मेरे सजना रे। यहाँ पे तो जो भी आए ढूंढते हैं वो शिकार, चूक जाए निशाना तो हो जाते हैं वो लाचार। यहाँ पे जो आते हैं उसमें होता है जो दम, शिकारी अभिकारी जीत जाता है वो जंग। आज की ये जंग में तुझे जीत लूंगा मैं हंस के, आज की जंग में तुझे जीत लूंगा मैं हंस के, सीने से लगा लूं तुझे रे। हे सजनी रे ओ मेरी सजनी रे, कांची रे ओ मेरी कांची रे। गुलाब में है कांटे फिर भी तो भवरे आते, हो गुलाब में है कांटे फिर भी तो भंवरे आते। तेरा चेहरा मैंने देखा चांद जैसा खिला रे, तेरा साथ मुझे मिला दिल हुआ दीवाना 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 रे। कांची रे ओ मेरी कांची रे, कांची रे ओ मेरी कांची रे, कांची रे ओ मेरी सजना रे, हो सजना रे ओ मेरे सजना। कौन है तू? मुस्तफा पकड़ा गया। है
इसको अच्छी तरह से देख ले, हिंदी में इसको उस तरह बोलते हैं। और अभिमन्यु नाग जिस पे चलाता है तो सिलाई करने वाला डॉक्टर सीधा उसको मुर्दा घर ही भेजता है। मुझे मारना चाहता है तो मार डाल, लेकिन वो लड़की तुझे नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम्हें उस लड़की की लाश मिलेगी। अगर लड़की को कुछ हो गया तो तुझे मैं काट काट के ऐसे रास्ते पर फेंकूंगा तो पैदा होने वाली आगे की तीन पूछ तेरी ये देखेगी कि आगे पीछे कहीं अभिमन्यु नाग तो नहीं। अभिमन्यु कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तुझे नहीं पता है? नहीं। अभिमन्यु तुझे नहीं बचा सकता है, उसे सिर्फ तुम्हारी लाश मिलेगी। लड़की का ध्यान रखना। अभिमन्यु जात का कोबरा है, डसने के साथ नमक मिर्च गिरेगा ना तो उसका जहर सर चढ़ के नाचने लगेगा। बता दो सब कुछ बता दो। सच सच बोलेगा तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा, अगर गलत बोलेगा तो मुर्दा घर। पसंद तेरे ऊपर, बोल। वो लड़की मेरे अड्डे में। तेरे तो बहुत सारे अड्डे हैं, उनमें से कौन से अड्डे पर? मेरा पुराने अड्डे पे। आंटी, वो लोग मुझे मार डालेंगे ना? मुझे कुछ हो गया तो मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ होगी, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, सब लोग मर चुके हैं। मैं अगर तुझे यहाँ से रिहा करूँ तो तू भाग जाएगी ना? अभी यहाँ कोई नहीं है, तू पीछे के दरवाजे से भाग जा। लेकिन तो मैं कुछ जानती नहीं। अरे पीछे से सीधा जाएगी तो हाईवे लगेगा, वहाँ पे जाके अपने घर का पता पूछना, कोई भी बता देगा। तुझे और कोई कुछ नहीं कर सकता, चल। आंटी आप बहुत स्वीट हो, मेरी मम्मी जैसी। जा बेटी, चली जाए यहाँ से। राघव राय को नहीं छोड़ोगे तो लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, ये है बड़ी डील। किसके साथ? कैसा डील? इस बार का दुर्जय राय के साथ, उस पहाड़ का कमाल पासा का राघव राय है, उस पहाड़ का बंटी सुलेमान। कमाल पासा का कमांडर नाम बदल के यहाँ पे आतंक फैलाता है। राघव राय को नहीं छोड़ेंगे तो कमल पासा दुर्जय राय को मार डालेगा। सरकार अगर राघव राय को नहीं छोड़ेगी, दुर्जय राय उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। इसमें और कौन शामिल है? पुलिस मंत्री विक्रम सिंह। हेलो, आप मेरे साथ डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं विक्रम सिंह? आप एक तरफ मेरे साथ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस को मेरे बच्चों को मारने के लिए बोल रहे हैं? पुलिस तुम्हारे कोई आदमियों को नहीं मारा है, जो मारा है वो मेरा कोई नहीं लगता है, उसका नाम अभिमन्यु नाग। अभिमन्यु नाग को कैसे रोकेंगे वो तुम जानते हो, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कल पार्लियामेंट में राघव राय की किस्मत तय करना। लड़की किधर आई? मैंने उसे आजाद कर दिया। छोड़ दिया? हाँ, मैंने उसे आजाद कर दिया। इतनी सी बच्ची के ऊपर तुम लोग अत्याचार करोगे और भी खड़े खड़े देखो? ज्यादा बहादुरी दिखाते हो, दम है तो जाओ ना, जाओ पुलिस के साथ लड़ो। मारेगा मारना, मार। अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। hey.
लाश को बाहर फेंक दो। कैप्टन, मुस्तफा के अड्डे से लड़की भाग गई। विश्वास करो, मैंने इस लड़की को नहीं मारा। विश्वास करो, मैं उस लड़की को यहीं छोड़ के गया था। मैं ये साफ साफ जानना चाहता हूँ, टेररिस्ट के मांग के बदले में सरकार का रवैया क्या है? क्या राघव राय को छोड़ा जा रहा है? राघव राय जैसे बड़े टेररिस्ट को छोड़ने का मतलब आप जानते हैं? हमारे हाथ से पूरा कंट्रोल निकल जाएगा और हम ये होने नहीं देंगे। राघव राय को नहीं छोड़ा गया तो वो मेरी पोती को मार डालेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और एक चीज साफ साफ बोल देता हूँ, आज की बैठक के बाद ये तय होगा कि मैं इस मंत्रिमंडल में हूँ कि नहीं, और अगर मैं नहीं हूँ तो हमारे मंत्री भी नहीं है। आपकी पोती की जगह अगर कोई और होती तो आप इस तरह शायद नहीं कहते। मेरी पोती की जगह पे आपकी पोती भी कितने वोटी ना तो भी आप कुछ नहीं बोलते, जो मैं बोलता हूँ वही बोलते। कल अखबार में अगर मेरी पोती की मौत की खबर छपती है तो साथ में और एक खबर छपेगी, आपकी सरकार गिर गई करके। आपकी पोती की रिहाई के लिए सरकार राघव राय को छोड़ देगी। मैं अपना वादा निभाया हूँ दुर्जय, सरकार राघव राय को छोड़ रही है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो डील हुई थी वो मेरी तरफ से पूरी क्लियर है, बाकी है सिर्फ तुम्हारी तरफ से। वाह वाह वाह, एक बात बताइए कि दुर्जय राय के साथ आपका क्या डील है मिस्टर विक्रम सिंह? तुम? दुर्जय राय के साथ आपके डील की कॉपी चेक करने आया हूं, उसमें क्या क्या लिखा है? क्या लिखा होगा? वो लोग रिमी को छोड़ देगा और सरकार राघव राय को छोड़ देगा। और एक भी बात झूठ बोला तो मार के दीवार पे फोटो की तरह चिपका दो, शाम तक उस पे माला भी चढ़ जाएगी। अभिमन्यु, अभिमन्यु ना, रेती वाला नहीं, पानी वाला नहीं, जात कोबरा। एक बार ऐसा फोटो छपा, मैं बोलता हूं दुर्जय राय के साथ आपका क्या क्या डील हुआ। दुर्जय राय के जरिए आप सारे राज्य में आतंक फैला के सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उस प्रेशर में सरकार गिर जाए और उस मौके का फायदा उठाकर आप मुख्यमंत्री के चेयर पर टप से बैठ जाए। तुम्हारी ये झूठी कहानी कोई मानेगा नहीं, कोई विश्वास करेगा नहीं। तेरे गाल पे खींच के एक थप्पड़ मारूंगा ना तो तेरा बाप भी विश्वास करेगा। हम लोग बाहर के लोगों को शत्रु समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु हमारे आप जैसे पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग राघव राय उर्फ बंटी सुलेमान जैसे आतंकवादियों को हमारे देश में दामाद जैसे पाल रहे हैं, देश को तबाह करने के लिए। और जब ये दामाद पकड़ा जाता है तो ससुर बनके उस दामाद को छुड़ाने के लिए अपनी पोती तक को दांव पे लगा देते। क्या बकवास है? बंटी सुलेमान कौन है ये मुझे नहीं पता। मेरे हाथ से मरने से पहले मुस्तफा, आपका ये ससुर दामाद का रिश्ता ना मेरे कान में बोल के गया है। मैं आपका ससुर भी नहीं और दामाद भी नहीं, मुझे आपको मारने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे दुर्जय राय से मरवाने में मेरी बीवी और बच्चे को एक सेकंड भी नहीं लगा था।
अगर एक पुलिस वाले के बीवी बच्चे आतंकवादियों की गोली से मरते हैं तो पुलिस मंत्री का कुछ नहीं जाता। लेकिन रिमी, वो तो आपकी अपनी पोती है, उसको आतंकवादियों के हाथ में भेजने से पहले आपको दया नहीं आई? नहीं आई, मुझे कोई दया नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। राजनीति में कभी कभी अपने आदमियों को भी मोहरा बनाना पड़ता है। रिमी मेरी वही एक मोहरा है और राघव राय था मेरा हाथ का मैल। इतनी सी बच्ची का खून तुम्हारे लिए इतना महंगा हो गया? एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि कितने सालों से वो ना 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 कह के तुम्हारे गोद में खेली है? नंदिनी, इससे पहले ही तुमने मुझे जहर क्यों नहीं पिला दिया? तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, नहीं देखना पड़ता। जानते हो, हर किसी को अपने पिता प्यारे होते हैं, और जिनको तुम जैसा बाप मिले उनको तो पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए। ये मत भूलो, इस देश की माताओं ने ही तो जन्म दिया है, नेताजी, भगत सिंह, विनय, बादल और दिनेश को, इस देश को मुक्त आजाद बनाने के लिए। और ऐसे एक पुलिस वाले को जन्म दिया आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जिसका नाम है अभिमन्यु। तुमने रिमी को आतंकवादियों के हवाले करके उसकी किस्मत को बर्बाद कर दिया। आज मैं तुम्हारी किस्मत अभिमन्यु के हाथ में सौंपती हूं। तुम्हारी किस्मत बनाएंगे अभिमन्यु नाग। इस फोटो वाली बच्ची को कहीं देखा है? नहीं। इसको आपने देखा है? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। मैंने आपसे बोला था ना कि अगर मैं रिमी को नहीं ला पाया तो एक गोली मैं अपने लिए बचा के रखूंगा। इसमें एक गोली बची है, आंखें बंद करके चला दो, मुझे मरने का कोई गम नहीं, सिर्फ एक ही अफसोस होगा, ये मौत सुख का नहीं होगा। लीजिए, अभिमन्यु को कम से कम इस दर्द से आजाद कर दीजिए। भाभी, रिमी जिंदा है। हाँ। मैं खुद रिमी को देख के आई हूँ। तू सच कह रही है तितली? हाँ। तू मुझे झूठा दिलासा तो नहीं दे रही? हाँ। मेरी रिमी जिंदा है। हाँ, मुस्तफा के अड्डे से रिमी भाग आई थी, लेकिन उन लोगों ने वापस उसे पकड़ लिया। रासिना ने फोन किया था, राघव राय को बॉर्डर क्रॉस करके उस पार भेजने की तैयारी चल रही। नहीं कर पाएगा, इस पार और उस पार के बीच खड़ा रहेगा अभिमन्यु नाग। राघव राय नहीं, उस पार जाएगी राघव राय की लाश। ये लीजिए, अभी भी एक गोली इसमें है, मैं आपको सौंप रही हूँ। इस गोली को आप खर्च करने, इस देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए। अब हर एक मिनट हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। तुम्हें बॉर्डर पार कराने के बाद मैं आज ही लड़की को छोड़ दूंगा, और मेरा यहां का काम जिंदा रहना है तो अपना काम कुछ दिनों के लिए भूल जाओ बंटी सुलेमान, क्योंकि अभिमन्यु नाग ने तुम्हें अगर देख लिया तो जिंदगी में तुम कभी बॉर्डर नहीं पार कर पाओगे। जहां पर खड़े हो अभिमन्यु डस लेगा तो वही जमकर मर जाओगे।
दुर्जय राय, राघव राय को लेके आत्मसमर्पण कर दे। पुलिस ने चारों तरफ से तुझे घेर लिया है। मैं मेरे बच्चों को लेकर पुलिस को रोकता हूँ, तुम उधर से बॉर्डर क्रॉस कर लो। ओके। पलटी सुलेमान हमारे देश के प्यारे नेताओं का दामाद, अपने इन्हीं हाथों से उस पार से बहुत पार्सल लेके आया है ना। तेरे एक एक पार्सल से इस देश के बेकसूर लोगों की जाने गई। आज इस पार का अभिमन्यु तेरा 28 टुकड़ा करके हमारे 28 राज्यों की तरफ से तेरे बाप पाशा को 28 टुकड़ा मुझे पार्सल करना है। इन्हीं हाथों से लाया था ना तू प्रेशर कुकर पार्सल। इस हाथ से ट्रांजिस्टर पार्सल लाया था ना। मुझे छोड़ दे, मैं कसम खाता हूँ इस देश की मिट्टी पे कभी पैर नहीं रखूंगा। मुझे छोड़ दे। वो मौका तो मैं तुझे दूंगा नहीं जो मिट्टी नेताजी भगत सिंह और विनय बादल विदेश के खून से पवित्र हुई है। अभिमन्यु नाग उस मिट्टी में कोई पंडित सुलेमान और कमाल पाशा का गंदा पैर पड़ने नहीं देगा। रिमी, हर तरफ लैंड माइन बिछा हुआ है, तुम मेरे साथ साथ दौड़ना। ओके, रेडी रेडी, चलो। Oh!
बोला था ना मैंने दुर्जय राय, मैं रेती वाला नहीं पानी वाला नहीं जात कोबरा। एक बार डसा फोटो छका। नहीं अभिमन्यु, छोड़ दो मुझे, खबरदार, रहो खबरदार, अरे नहीं। तुम जो भी चाहे साफ हो, लेकिन दुर्जय राय के चक्रव्यूह में तुम फंस गए हो। इतिहास ने खुद को फिर से दोहरा दिया। अभिमन्यु बेवकूफ की तरह चक्रव्यूह में घुसता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। नहीं दुर्जय राय, ये अभिमन्यु महाभारत का अभिमन्यु नहीं, ये आज का अभिमन्यु है। अभिमन्यु नाग जो दुर्जय राय के चक्र में घुसेगा लेकिन मरने के लिए नहीं। तेरे जैसे देशद्रोही को कुत्ते की तरह मारने के लिए। एक गोली मैंने अपने लिए बचा के रखी थी, इस गोली ने आज मुझे समझा दिया सब कुछ खोकर भी आज मैं जिंदा क्यों हूं। यू डोंट लव योर इंडिया, आई लव माय इंडिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जाने का टाइम आ गया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये मिठी है, जब मेरी याद आए ना तो इससे बातें कर लेना, ये तुम्हें मेरे बारे में बताएगी। वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त। चलता हूं मैं, बाय। देश की मिट्टी में जब जब कमाल पाशा, बंटी सुलेमान, दुर्जय जैसे लोग पैर रखेंगे, इस पवित्र मिट्टी की रक्षा करने के लिए अभिमन्यु आएगा। मेरे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए।